अपने लजीज जायके के लिए देशों ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर कैथल की स्पेशल मिठाई फिरनी घेवर बनाने का कार्य जोरों से चला हुआ है। वैसे तो सावन महीने में ही फिरनी की बिक्री होती है, परंतु इसको बनाने का काम मई के अंतिम दिनों में शुरू हो जाता है और इसकी बिक्री अगस्त तक चलती है। सावन के त्योहार तीज, भादो, माँ के व्रत, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन तक फिरनी की डिमांड बाजार में बनी रहती है। कैथल शहर में फिरनी तैयार करने वाले हलवाई सुरजीत प्रजापति, राजेश प्रजापति, कृष्ण प्रजापति एंड सन्स, महावीर सतवील नोकवाल, दुकानदार मोहित साहिल, दीपक प्रीति आदि ने बताया कि हमारे कैथल जिले की विशेष मिठाई फिरनी व घेवर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी मशहूर है। भारतीय संस्कृति में तीज के त्योहार का अपना अलग महत्व है। सावन के महीने में तीज के त्योहार पर भाई अपनी बहन के यहाँ ले जाने वाली कोथली में जब तक फिरनी घेवर नहीं ले जाता तब तक कोथली को संपूर्ण नहीं माना जाता। इस प्रकार की प्रचलित परंपरा को देहाती बोली में कोथली कहा जाता है। बता दें, फिरनी बनाने वाले हलवाइयों के अनुसार फीकी फिरनी को एक महीना पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे उन्हें थोक में ऑर्डर मिलते हैं वैसे वैसे फीकी फिरनी पर मीठा चढ़ाकर बेचा जाता है। उन्होंने बताया कि पुंडरी कैथल ही एक ऐसा इलाका है जिसके पानी में शोरा नहीं होता, इसलिए फिरनी का स्वाद अच्छा होता है। पुंडरी क्षेत्र के 4-5 किलोमीटर दायरे के बाहर पानी में शोरे की मात्रा होने के कारण फिरनी का स्वाद लजीज नहीं बन पाता। यही कारण है कि पुंडरी कैथल में बनाई गई फिरनी घेवर पूरे भारत में मशहूर है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा बनाई गई फिरनी एक महीने तक खराब नहीं होती। अगले महीने सावन में बिक्री जोरों पर होने के कारण कारीगरों की संख्या बढ़ानी पड़ती है। प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी कैथल की घिरनी फेवर की मांग बढ़ जाती है। कैथल के हरवाई सुरजीत, राजेश, महावीर, सतबीर आदि ने बताया कि जिन लोगों को शुगर की बीमारी है उन लोगों के लिए फीकी फिरनी की भी व्यवस्था की गई है और लोग कोलेस्ट्रॉल वाले तेल से भी तैयार किया जाता है ताकि इस प्रकार के रोगी भी इस व्यंजन का स्वाद उठा सके। विदेशों में निर्यात के बारे में हलवाइयों ने बताया कि विदेशों में बसे भारतीय यहां से फिरनी ले जाते हैं, लेकिन फिरनी की निर्यात प्रक्रिया के काफी जटिल होने के कारण और उन्हें निर्यात नीतियों का ज्ञान न होने के कारण फिरनी को निर्यात करने से वे वंचित हैं, इसलिए वे इस व्यंजन को छोटे स्तर पर ही बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस समय पूरे कैथल शहर के बाजार केवल फिरनी से ही भरे पड़े हैं और लोग जमकर खरीद रहे हैं। हलवाइयों ने मीडिया से बातचीत के माध्यम से सरकार से मांग की कि यदि कैथल में बनाई गई फिरनी को निर्यात करने की नीति बना दी जाए तो केवल हलवाइयों को ही नहीं बल्कि सरकार को भी काफी आय हो सकती है। मोहित ने बताया कि पहले तो फिरनी और घेवर हाथों व पैरों से तैयार होती थी, परंतु अब बदलते समय के अनुसार फिरनी को मशीनों से तैयार किया जाता है। कैथल में फिरनी घेवर के दुकान संचालक सुरजीत, दीपक, साहिल, प्रीति आदि ने बताया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब की बार घी, चीनी, रिफाइंड और तेल के दामों में हुई दोगुनी बढ़ोतरी के चलते महंगाई की मार इस कारोबार पर भी पड़ी है। इसके अलावा लॉकडाउन का भी असर हलवाई का काम करने वाले व्यापारियों पर पड़ा है। जहां कारीगरों को भी काफी मेहनताना देना पड़ता है, वहीं महंगाई के चलते बाजारों में फिरनी के दाम 160 रुपए प्रति किलो और घेवर का दाम 320 रुपए प्रति किलो तक है। फिरनी का बनने का टाइम पीरियड क्या है और जो सीजन है इसका वो कब स्टार्ट होता है? जैसे ना जी, सावन के महीने में तीज का त्यौहार आता है ना जी, उसके अपनी लड़कियों को देना पसंद करते हैं। मानसून जब आ जाती है उसी टाइम इसका लच्छा बनना शुरू हो जाता है, उसी टाइम इसका टेस्ट बनता है बढ़िया। तो ये कैथल में जो फिरनी और घेवर मशहूर है किस प्रकार बनता है? ये ना जी, शुरू से यहाँ कैथल में बनती आ रही है और दूर दूर देशों में यहाँ से पैक होकर जाती है। तो इसकी बनाने की विधि क्या है? इसकी बनाने की विधि जी, जैसे मैदा बना लिया, फिर इसको घी में सूत की तरह घुमाई जाती है ये। अच्छा, फिर इसके अगले दिन इसका मीठा लगाया जाता है जी। फिर ये मटके में या टपों में दबा कर रखी, तीसरे दिन ये पिंडी जाके तैयार। अच्छा, घेवर कैसे तैयार होता है जी? ऐसे ही घेवर का सिस्टम है जी। अच्छा, तो कब तक चलता है इसका सीजन? ये ना जी, जन्माष्टमी तक चलता है इसका सीजन। अच्छा अच्छा, तो कितने कारीगर काम कर रहे हैं और किस प्रकार के? जी, जैसे जैसे जिसका काम रहेगा वैसे ही उसके पास कारीगर रहेंगे। तो मान ले, कब बनाना शुरू किया था और कब तक सीजन चलेगा? यानी कि छठे महीने की ना 20 तारीख से शुरू हो जाती है फिर ये, और 2 महीने का 2.5 महीने का सीजन रहता है। बनानी पहले ही शुरू हो जाती है? हाँ, यानी कि 10-15 दिन ये खराब नहीं होती। धन्यवाद। और SBI बैंक के बिल्कुल सामने है। ये जो फिरनी का सीजन है मई के एंडिंग में शुरू किया जाता है और ये अगस्त तक चलता ही है। इसमें ना जो भाई होते हैं अपनी बहनों को ना तीज का त्यौहार देते हैं। ये हमारे हरियाणा में बहुत ही मान्य त्यौहार है।
तो घी और फिरनी किस प्रकार तैयार होता है? ये घी मैदा और पानी इसके मिश्रण से ही इसको बनाया जाता है और मीठा तो होता ही है। कितने कारीगर काम करते हैं इसमें? जैसे जैसे काम होता है उसी के हिसाब से ही कारीगर लगाए जाते हैं। आजकल कितने कारीगर काम कर रहे हैं इसमें? इसके आसपास कुछ कारीगर काम करते हैं। अच्छा, तो महंगाई का कितना असर पड़ा है घी और फिरनी पर? महंगाई का तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है इस चीज पर। क्या रेट चल रहा है अभी आजकल? आपकी बार है फिरनियों का रेट तो 140 और जो घेवर है उसका 280। तो यानी कि जो पूरा जो कैथल की फिरनी है वो मशहूर है? हाँ, कहाँ कहाँ मशहूर है ये? ये ज्यादातर देश विदेशों में भी जाती है और आसपास तो है ये। तो 3 महीने पूरी डिमांड रहती है? हाँ जी। कौन कौन से त्योहार इस जो घेवर फिरनी है उसके डिमांड को पूरा करते हैं? रक्षाबंधन, तीज होगी और जो ये जन्माष्टमी, इस पर भी बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो महंगाई है उसका असर कितना पड़ा है? पहले कितना क्या रेट था, अब कितना रेट है? पिछली बार जो फिरनियों का रेट था वो 120 था और जो अब है 140। और घेवर का? और जो घेवर उसका 240 से 280 कर दिया। अच्छा, इससे मतलब कि बहुत ज्यादा असर हुआ है, असर पड़ा है। तो जो ग्राहक हैं वो बड़े हैं या घटे हैं? ग्राहक का तो वही है, जिनको लेनी है तो लेनी है, रेट का कोई चक्कर नहीं। रेट का कोई चक्कर नहीं। हालांकि महंगाई दुकानदार पे असर है इसका? हाँ, दुकानदार पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इस दौरान अब श्रावण महीना चला हुआ है तो फिरनी की डिमांडे हर एक दुकान पर लगी हुई है। हर एक दुकानदार यही चाहता है कि उनकी दुकान पर ज्यादा ज्यादा कस्टमर अच्छी फैसिलिटी हो। तो फिरनी और घेवर की एक लंबी प्रोसेस है। मैदे और घी के नुकसान से काफी मजदूर या लेबर जो कारीगर होते हैं फिरनी के, उनके द्वारा तैयार की जाती है। फिरनी को तैयार करने में 1 या 2 दिन का समय लगता है। प्रॉपर वे में एक फिरनी जो हम तैयार करते हैं उसे 1 या 2 दिन में प्रॉपर तरह से वो खिल जाती है। और जैसे कि बारिश के टाइम में तो फिरनी इतनी अच्छी तरह से खिलती है कि खाने वाला कहता है कुछ टेस्ट है। तो हमारी दुकान सुरजीत मिष्ठान भंडार के नाम से है, जो मैटी चौक पर CIA के पास है और साथ में SBI बैंक भी है। इन दिनों फिरनी की डिमांड इतनी अधिक चली हुई है, जैसे जुलाई और अगस्त के महीने में तो बहुत अधिक हो जाती है। देश विदेश तक डिमांड रहती है। जो भी काफ़ी बार कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि बहुत अच्छा टेस्ट रहा, हमने आपकी फिरनी, हमारे कोई रिलेटिव बार दी थी तो उनको फ़ोन आए कि कहाँ से लेके आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि फिरनी की डिमांड बहुत अधिक मात्रा में जुलाई और अगस्त में चल के रहती है। और मेन मोटिव तो यही होता है कि फिरनी का त्यौहार होता है इन दिनों सावन माह के महीने में, जैसे कि तीज का त्यौहार हो गया, रक्षाबंधन हो गया, या हमारा एक हरियाणवी त्यौहार है। वैसे तो देश विदेश में भी इस त्यौहार की मान्यता है लेकिन हमारे हरियाणा में बहुत अधिक है। तो एक भाई इस जैसे तीज के त्यौहार पर घेवर, फिरनी, मटर, नमकीन और जो भी बिस्कुट अपनी बहन के वहाँ जाता है, ऐसे ही रक्षाबंधन की होता है। रक्षाबंधन के बाद फिरनी और घेवर का काम थोड़ा कहने के बाद उसके बाद उसका टेस्ट नहीं आता। सिर्फ साउंड कैथल से कृष्ण प्रजापति की रिपोर्ट।